साल यानी कि साल 2008 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फैक्ट शीट ऑनलाइन डाइट एंड ओरल हेल्थ जारी की थी, तो इस लिस्ट के मुताबिक बताया गया था कि अस्वस्थकारक खुराक और खराब पोषण दांतों और जबड़ों के विकास को कुप्रभावित करता है और इसका दुष्प्रभाव जीवन के बाद के सालों में भी रहता है। इसका परिणाम निकलता है कि ओरल और संपूर्ण स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखने को मिलता है। अब विशेषज्ञों के अनुसार असंतुलित आहार में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, शुगर और स्टार्च होता है, जिससे दांतों में कैविटीज और दंत श्रेय जैसी मुंह की बीमारियां पनपने लगती है, जिससे बच्चों के समग्र स्वास्थ्य पर ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप अपने बच्चों के दांतों को सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो उनके दांतों को जरूरी पोषक तत्व देने होंगे। दरअसल सेहतमंद दांतों के लिए कम उम्र से ही स्वास्थ्यकारक पोषण बेहद अहम रखता है। इसके लिए सबसे पहले माता पिता को अपने बच्चों की खान पान की आदतों पर ध्यान देना चाहिए और खान पान की अच्छी आदतें उन्हें सिखानी चाहिए। साथ ही कैल्शियम से भरपूर चीजें खाने में शामिल करनी चाहिए, जैसे लो फैट मिल्क, दही, चीज, बादाम, हरी पत्तेदार सब्जियां, जो कि दांतों और हड्डियों को मजबूत करती हैं। इसीलिए इन्हें बच्चों के आहार में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अंडे, मछली, हल्का मांस और डेयरी उत्पाद को भी शामिल करना चाहिए। माता पिता को बच्चों के आहार में विटामिन सी से भरपूर चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए, जिससे कि जो मसूड़े को मजबूती देने में सहायक हो। इसके अलावा सही मात्रा में फ्लोराइड होने से दंत क्षय की रोकथाम में मदद मिलती है, क्योंकि फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में भूरे धब्बे आ जाते हैं, जो कि शर्मिंदगी की वजह बनते हैं। वहीं कोमल और चिपकने वाले खाद्य पदार्थ मसूड़ों की बीमारियों की शुरुआत करते हैं, तो इनकी वजह से बाद में चलकर मसूड़ों में खून निकलने लगता है। खराब खान पान की वजह से बचपन में ही दांत खराब हो जाते हैं। चबाने का उपवास ठीक से नहीं हो पाता, जिससे जबड़ा छोटा रह जाता है और बेडोल दांत विकसित होने लगते हैं। इसीलिए बच्चों को हमेशा ही ऐसा खाना खिलाएं जो उन्हें अच्छे से चबाना पड़े। इससे उनके दांत बेडोल नहीं होंगे और उनके मसूड़े, हड्डियों और जबड़े अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स का कहना है कि मन और शरीर को विकसित करने के लिए बचपन सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, इसलिए उन्हें खान पान की अच्छी आदतें सिखाकर सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से प्रांशी की रिपोर्ट।